सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ ही होंगे। मेरा नाम राशि है, मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात किसी वस्तु की खासियत बताने वाले गुण या किसी गुण को दर्शाते हुए शब्द विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा की ओर चलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे होते हैं सर्वनाम। राम, ट्रेन, दिल्ली, पुस्तक, पेन आदि सर्वनाम। मैं, तुम, यह, वह, हम, उस आदि, ये सब सर्वनाम होते हैं। इन दोनों संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों के शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषता को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। उदाहरण के तौर पे हरा, कुछ, मोटा, पतला, 500 ग्राम, सस्ता, लंबा, मुलायम, कड़वा आदि। आइए विशेषण को कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। यह है, हरा भरा पेड़ क्यों काट रहे हो? इसमें हमें पेड़ की विशेषता बताई गई है, हरा भरा। हरा भरा पेड़ क्यों काट रहे हो? दूसरा, अरे कच्चे अमरूद मत तोड़ो। इसमें हमें अमरूद की विशेषता बताई गई है, कच्चे, कि अमरूद कच्चे हैं, पेड़ हरा भरा है। तीसरा, 500 ग्राम चीनी ले आओ। हमें इसमें चीनी का परिमाण, मतलब चीनी की नाप तोल मात्रा बताई गई है। तो इसमें दिया गया है 500 ग्राम, ये चीनी की थी, तो इसमें हो गया 500 ग्राम चीनी ले आओ। इन सभी उदाहरणों में हरा भरा, कच्चे, 500 ग्राम विशेषण है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द कहलाते हैं विशेष्य। आइए हमारे इन उदाहरणों में विशेष्य ढूंढते हैं। हरा भरा, हरा भरा विशेषण है। किसकी विशेषण है? ये विशेषता बता रहा है पेड़ की, तो ये पेड़ क्या हुआ? पेड़ हुआ हमारा विशेष्य, तो ये हमने पेड़ को, पेड़ हमारा हो गया विशेष्य। ऐसे ही नीचे कच्चे अमरूद, अमरूद कैसे हैं? कच्चे, तो कच्चे, कच्चे इसकी होगी विशेषता, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? अमरूद की, तो ये अमरूद हो गया विशेष्य। ऐसे ही 500 ग्राम चीनी, तो ये चीनी हो गई विशेष्य। आशा करती हूँ आप सबको मेरा समझाया हुआ विशेष्य विशेषण समझ आया होगा। धन्यवाद।